दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल और एक बार और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का। और आज है संडे का दिन, घर वालों ने बोला है बाटियाँ लेकर आओ, तो हम जा रहे हैं बाटियाँ लेने चौक। चौक के पास में कौन सी जगह पर मिलती है? इस्लाम नगर में बाटियाँ लेने आ रहे हैं बनी बनाई। तो आज हमने सोचा, काफ़ी दिनों से हमने ब्लॉग नहीं बनाया, तो आज हमने ब्लॉग बनाते हैं। आज से हम कंटिन्यू ब्लॉग बनाएंगे और ब्लॉग मिलेंगे आपको एफको प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल पर। एफको प्रोडक्शन एक अलग है, एफको प्रोडक्शन ब्लॉग चैनल पे आपको ब्लॉग मिलेंगे। तो आज से कंटिन्यू हम ब्लॉग बनाएंगे और अभी हम चलते हैं, लेट हो रहे हैं। वैसे भी सोकर अभी उठे हैं, काफ़ी लेट हो चुके हैं, घर वाले सुबह से बोल रहे हैं। तो अभी हम जाते हैं इस्लाम नगर से लेंगे बाटी, उसके बाद देंगे घर पर। और उसके बाद हम रात में खाएंगे, उससे पहले अभी हम जाएंगे घूमने, घूमकर इंजॉय करेंगे संडे, हम सो जाएंगे। और इन्हें तो आप जानते होंगे, ये फैसल भाई, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। तो ये भोपाल का चोर बाजार, आप यहाँ पर देख सकते हैं पुराने आइटम, सेकेंड हैंड फोन और जो भी, मतलब जो पार्ट्स अगर आपको कहीं नहीं मिल रहे हैं वो यहाँ पर मिलने की उम्मीद है। और ये देखिए आप, यहाँ कितनी भीड़ होती है, पूरी रोडों पर दुकान लगती है, इस साइड भी और उस साइड भी। देखते चलिए आप कितना लंबा मार्केट है ये भोपाल का। इसके लिए ब्लॉग अलग से बनाऊंगा एक में, कि आपको आइटम भी बताऊंगा क्या क्या मिलता है यहाँ पर, और वो नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी आपको सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ कि कितना लंबा मार्केट है, कितनी सारी दुकानें लगती हैं रोड पर, और यहाँ पर पुराना आइटम मिलते हैं टोटल, और कुछ दुकानों पे न्यू आइटम भी मिलते हैं। सराय गेट आज से करीबन 50 साल पुराना गेट है ये। आप जो टूटी हुई जगह देख रहे हैं, यहाँ पर एक टाकी हुआ करती थी, लक्ष्मी टाकी, जो कि अब मल्टी बन चुकी है। तो ये आ चुकी है बेकरी, जहाँ से हम लेंगे अपना बाटियाँ, है ना। तो बाटी लेके हम जाते हैं घर। और ये ओल्ड सिटी में ये दुकान नदी। तो भाई आप लोग देख सकते हैं, हमने ले ली है बाटी है, और ये अब हम घर जाके खूब अच्छे तरीके से खाएंगे। और आप लोगों को भी घर में नहीं बनाना आए तो आप यहाँ से संपर्क कर सकते हैं नदीम बेकरी से। तो अब हम आ चुके हैं जुमेराती गेट, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता है, आज संडे है इस वजह से ट्रैफिक कम है, अदरवाइज गाड़ी निकालने में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। देखो आप सामने छोटा सा नज़ारा ट्रैफिक का। तो ये पाकिजा टी, यहाँ पर काफ़ी अच्छी टी मिलती है। और ये जुमेराती गेट, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, अभी बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है।